प्रेमी भक्तों, माता बाछल व राजा जेवर की भक्ति से खुश होकर गुरु गोरखनाथ को सोते सोते आकाशवाणी होती है। आहा, नींद से जाकर गुरु गोरखनाथ अपने 1400 चेलों का आदेश देते हैं कि हे चेलो, हमें ददरेवा नगर में जाना है। गुरु गोरखनाथ का आदेश पाते ही 1400 चेले अपना सामान समेटकर गुरुजी के साथ हो लिए और ददरेवा नगर में आ गए। मेहरबानो, गुरु गोरखनाथ जिस समय ददरेवा नगर में आते हैं, एक चमत्कार होता है कि जो बाग नौलखा सूख गया था, जो कुएं बिना पानी के हो गए थे, गुरुजी का प्रवेश करते ही वो बाग लहरा उठे, हरियल हो गए और कुओं में पानी भर गया। इस चमत्कार को बांधी ने देख लिया और दौड़कर महलों में जाती है। वे माता वासल को बताती है कि एक साधु संत, एक सन्यासी, एक जोगी अपने बहुत सारे चेलों के संग में आया है और हमारे सारे बाग वे सारे कुएं हरे भरे हो गए हैं। माता बाछल गुरु गोरख का सुरमन करती है और फूली नहीं समाती है। उधर गुरु गोरखनाथ अपने चेले ओगड़नाथ को भिक्षा लाने के लिए कहते हैं, तो ओगड़नाथ माता बाछल के द्वारे जाकर अलख निरंजन की टेर लगाता है और भिक्षा मांगता है और क्या कहता है, निरंजन दे उसका भी भला और ना दे उसका भी भला, अलख निरंजन। माता बाछल द्वारे पे आती हैं और क्या, अरे ओगड़नाथ ने अलख जगाया, द्वारे पे पहुंचा जाई, हीरे मोती थाल में भर के बाछल भिक्षा लाई। भाई ओगड़नाथ ने रे अलख जगाया, क्या बात है मेरे मेहरबानों, हीरे मोतियों की थाल भरकर बासल भिक्षा देने के लिए आती है। ओगड़नाथ क्या कहने लगे, बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। अरे कंकड़ पत्थर हमें ना चाहिए, सुन लो मारी माई, अरे किसी बच्चे की झूठी भिक्षा हमको दे तुलाई। हीरे मोती के थाल में हीरे मोती को कंकड़ पत्थर बता दिया ओगड़नाथ ने और कहा कि हे माँ, हमें तो किसी छोटे बच्चे की झूठी भिक्षा चाहिए। इतनी बात सुनकर बाद माछल माँ किस प्रकार से और क्या कहने लगी, हो इतनी बात सुनी बाछल नरहा कर डकराई, अरे हीरे मोती थाल में भर के बाछल भिक्षा लाई। हो रो रो करियू बाछल कहती, बाबा तुम्हें बताऊं, अरे मैं हूं नारी बांझ कहां से झूठी भिक्षा लाऊं। अरे इतनी कहकर बाछल ने ठाड़े से पछाड़ जो खाई, अरे हीरे मोती थाल में भर के बाछल भिक्षा लाई। ओगड़नाथ ने एकदम से कहने लगा, हे माई तुम्हें क्या कष्ट है, हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज मैं तो बांझ नारी हूं, मेरे आंगन में कोई भी फूल नहीं खिला है, इसलिए मैं किसी बच्चे की झूठी भिक्षा आपको कैसे दे सकती हूं।
क्या समझाते हैं उगड़नाथ? बाचल का ओगड़ देख के हालत बाचल की ओगड़ नर वचन सुनाया तेरी तेरे बाग में माई गुरु अरे गोरख ने धूना लाया अरे ओगड़ नाथ ने बाचल सर गोरख की करी बड़ाई तेरे हीरे मोती थाल में भर के बाचल भिक्षा लाई ने कहा है माई तुम कल सुबह आ जाना खीर खांड के भोजन लेकर गुरु गोरख के चरणों में शीश झुकाकर जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा क्या बताया अरे खीर खांड के भोजन रानी के लिए लेकर आना हे गुरु चरणों में शीश झुका कर भोजन उन्हें जिमाना भाई इतनी सुनकर बाचल रानी इतनी सुनकर बाचल रानी रे गुरु पे पहुंची जाई हो हीरे मोती रे थाल में भर के बाचल लेकर धाई तेरे ओगड़नाथ ने रे अलख जगाया ओगड़नाथ ने अलख जगाया रे द्वार पे पहुंचा जाई हो हीरे मोती थाल में भर के बाचल भिक्षा ला।